हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारा जो मीटर होता है इलेक्ट्रिक मीटर कंजुर्वेशन मीटर जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक का जो बिल है वो हमारे घर तक आ है बड़ी आसानी से तो उस मीटर की जो डिस्प्ले है उस मीटर की जो रीडिंग है वो बिल्कुल ज़ीरो कैसे हो जाती है कभी कभार हमारे घर के अंदर कभी कभार हमारे घर का जो मीटर होता है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है मतलब बिल्कुल उसका डिस्प्ले डिस्प्ले डाउन हो जाता है ख़त्म हो जाता है जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि दोबारा रीअप्लाई करना पड़ता है हम उस कंपनी को या फिर सरकार को रीअप्लाई करनी पड़ती है और री अप्लाई करने के बाद जो हमारा मीटर है वो नया लग पा आता है लेकिन गाइस यहां पर हो क्या रहा है ये मीटर स्विच ऑफ कैसे हो जाता है मतलब मीटर की जो डिस्प्ले है वो डाउन कैसे हो जाती है तो इसके बारे में हम आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ में समझाने वाले हैं और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इंस्टाग्राम आई को अगर फॉलो करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वहां जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं तो यहाँ पर इस वीडियो को हम शुरू करते हैं सबसे मेन और सबसे पहला रीजन मीटर उड़ जाने का ये होता है कि जैसे आपके घर के अंदर घर के बाहर जो मीटर लगा हुआ होता है मीटर के उम अंदर जो इनपुट लाइन होती है वो तंबे से आई हुई होती है खम्बा जो हमारे पोल लगा हुआ होता है उसमें से मीटर तक हमारी लाइन आती है और मीटर से आउटपुट होकर के हमारे घर तक जो आती है लाइन वो लोड चलाने के लिए होती है तो बेसिकली अब आप कहेंगे सिंपली वो सबके घर में होता है ठीक है तो अब वो डिस्प्ले कैसे उड़ जाएगी वो डिस्प्ले कैसे ख़राब हो जाएगी इसके बारे में भी हम बताते हैं तो जैसे कि गाइस इनपुट और आउटपुट जो लाइन होती है आपके घर के अंदर वो जो लाइन पहुंचती है आपने मान लीजिए लोड चला रखा है या और कुछ कारण मान लीजिए कुछ भी चला रखा है या आपके लोड के अंदर कुछ फॉल्ट हो गया अचानक से शॉर्ट सर्किट हो गया जैसे कि गाइस जो न्यूट्रल फ़ेज़ होता है वो दोनों भिड़ जाते हैं आपस में और ज़बरदस्त तरीके से भिड़ जाते हैं छूट नहीं पाते हैं इस तरीके से अगर आपका शॉर्ट सर्किट लाइन हुआ तो उसी शॉर्ट सर्किट की वजह से हमारी जो मीटर की जो डिस्प्ले है वो उड़ जाती है मतलब न्यूट्रल और फेज़ लाइन दोनों का अगर आप भिड़ा देते हैं तो आपका जो मीटर है वो बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा उड़ जाएगा दूसरी बात इसका मीटर का उड़ने का रीज़न क्या है पहला तो मैंने बता दिया शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वो डिस्प्ले गायब हो जाती है काफ़ी काफ़ी मीटर्स में ऐसा हो जाता है काफ़ी केसेस में इस तरह से देखने को हमें मिल सकता है मीटर स्विच ऑफ कैसे हो गया मीटर स्विच ऑफ ऐसे हो गया गए जैसे कि आपने वहाँ पर शॉर्ट सर्किट किया लाइन को शॉर्ट सर्किट कर दिया और जो जैसे ही लाइन शॉर्ट सर्किट हुई तो मीटर के अंदर दो गोल गोल सीटी लगाई गई होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से चलती है ठीक है इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से वर्क करती है तो जैसे ही आपने वहाँ पर शॉर्ट सर्किट किया तो सिटी के अंदर क्या होता है कि एक वायर होता है घुसा हुआ अंदर से एक होल होता है सिटी में और वहाँ अंदर से वो पार होकर के बाहर निकलता है उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक कंज्यूमेशन जो हम करते हैं वो उस सीटी से ही तय किया जाता है कि आपने कितना लोड अंदर चला रखा है तो हमने शॉर्ट सर्किट किया और वो सीटी के ऊपर जो लोड है वो पड़ गया शॉर्ट सर्किट की वजह से सीटी के ऊपर जो हाई से हाई जितना होना नहीं चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा उस सीटी के ऊपर लोड पड़ता है और सीटी से सीटी के अंदर एक कोयल बांधी गई होती है जिसकी वजह से आउटपुट उसके अंदर वोल्टेज पैदा होते हैं जी हाँ दोस्तों वहाँ आउटपुट जो वोल्टेज पैदा होते हैं वही कैलकुलेट करवाते हैं मीटर को के अंदर कितना लोड चल रहा है वोल्टेज और एम्पियर उसके अंदर जो एम्पियर और वोल्टेज निकलते हैं उसकी वजह से ही मीटर के अंदर जो कैलकुलेशन होती है वो उस सीटी की वजह से ही होती है तो अब उस सीटी को पता नहीं है कि अंदर कितना लोड हो गया है जैसे कि आपने शॉर्ट सर्किट किया और उस शॉर्ट सर्किट की वजह से बहुत ही ज्यादा वोल्टेज बहुत ही ज्यादा एंपियर उस सीटी के अंदर आउटपुट जनरेट हो रहे थे और वो जो आउटपुट जनरेट होने की वजह से जो मीटर की पीसीबी है वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाई और वो डिस्प्ले स्विच ऑफ हो जाती है जी हां दोस्तों यही मेन कारण होता है मीटर को स्विच ऑफ होने का मीटर जो स्विच ऑफ होता है वो इसका मेन रीजन यही है शॉर्ट सर्किट जिसकी वजह से वो स्विच ऑफ हो जाता है तो गाइस बेसिकली अब आप कहेंगे कि यार ये तरीका तो बहुत बेस्ट है और इस तरीके को तो हम घर पे यूज़ ले सकते हैं मैं एक बार शॉर्ट सर्किट कर दूंगा शॉर्ट सर्किट करने के बाद जो मेरा मीटर है वो स्विच ऑफ हो जाएगा ये आप नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते क्योंकि आपने मान लीजिए आपका मीटर दो तीन महीने पुराना है ठीक है आपने मेरी वीडियो देखा और आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया शॉर्ट सर्किट आपने किया उस समय आपका मीटर स्विच ऑफ हो गया ठीक है ज़्यादातर केसेस में होता है लेकिन आप करेंगे तो नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि आजकल बहुत ही हैवी मीटर्स आने लग गए हैं ज़्यादा वोल्टेज को कंज्यूम भी चेक भी कर लेते हैं वो ठीक है तो अगर आपने मीटर को शॉर्ट कर दिया और डिस्प्ले उड़ गई तो अगले महीने अगर वो रीडिंग लेने के लिए आएगा तो वो आपको कहेगा नहीं कि आपका मीटर ख़राब हो गया है वो सीधा पिछले महीने का बिल है मतलब पिछले महीने आपने जितने यूनिट निकाले उसी यूनिट को इस महीने के पेपर में छाप देता है बिल के अंदर लेके आ जाता है तो इससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आप अगर डिस्प्ले उड़ा भी देंगे तो आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होने वाला उससे नुकसान ही साबित होगा जो पिछले बिल आएंगे वही एवरेजन आपको बिल आते रहेंगे और वही एवरेजन आएंगे तो शिकायतें भी दर्ज होगी आपका मीटर ख़राब है दूसरी बात यह है गाइस अगर आपका मीटर खराब है और आपने अप्लाई नहीं किया तो आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है कि इतने दिन खराब है मीटर और आपने अप्लाई नहीं किया तो आपकी ये गलती भी साबित हो सकती है सरकार की नज़र में तो गाइस कैसी लगी वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए चलिए दोस्तों बाय बाय